अज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में, और अल्लाह भी हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, महफूज रखे और सबको अपने जनाब से दे। और आज का जी मेरा जो टॉपिक है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, उसमें मेरा टॉपिक था वो कोरोना वायरस से रिलेटेड था, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है वो भी इस सिचुएशन से रिलेटेड ही है। लेकिन मेरा आज का जो मैसेज है वो हमारी गवर्नमेंट को है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को है कि जी जो सूरत हाल, जो सिचुएशन चल रही है, जो मार्केट्स बंद हैं, जो चीज़ें बंद हैं, जॉब्स बंद हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास कमाने के लिए इस टाइम पैसे नहीं हैं, लोग भीख मांग रहे हैं, लोग बाहर लोगों से मांग रहे हैं, लोगों पर उधार चढ़ गया है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो काइंडली आपने जो 4 महीने में जो 12,000 दिए हैं वो जो आपने दिया, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन आपने वो दे दिया, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने 12,000 दे दिया, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आगे आ रहा है रमज़ान। रमज़ान में कम से कम ऐसा करें कि आप लोगों को फ्री राशन दें, लोग बस पैसे नहीं हैं, उनको फ्री आटे की बोरियाँ, चावल की बोरियाँ, घी, दालें, जो बुनियादी ज़रूरत हैं वो दें लोगों को, ठीक है। लोग अपना दो वक्त की सहरी और अपनी जो अफ्तारी है वो कर सकें और रोज़े रख सकें। तो ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है और जो हमारी हुकूमत है, इनसे मेरा मैसेज है कि गरीब लोगों के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें, जो लोग दो टाइम का खाना नहीं खा सक रहे इस टाइम, उनके बारे में सोचें। और ये जो लॉकडाउन आपने किया है, ये नाम का लॉकडाउन किया है, लेकिन इस लॉकडाउन में जो आपने कर दिया है वो तो सब दुनिया, पाकिस्तान पूरा देख रहा है कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, केसेस मज़ीद बढ़ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ कुछ आवाम के लिए सोचें, कुछ करें इस रमज़ान में, प्लीज़ लोगों को कुछ पैकेज दें रमज़ान में, लोगों को फ्री फैसिलिटीज़ दें ताकि लोग अपनी सहरी अफ्तारी कर सकें। तो प्लीज़ काइंडली सब चीज़ों का ख्याल करें, प्लीज़ अब कुछ सोचें। अब जो वायरस जो आना था वो अल्लाह की तरफ से आ गया है, लेकिन अब आपने आगे क्या करना है, लोगों को क्या फैसिलिटी देनी है, कैसे चलना है, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ सोचें और हमारे मुल्क पाकिस्तान लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने 22 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है, आप पे ट्रस्ट किया है, आप पे एक उम्मीद लगाई है कि आप कुछ करेंगे मुल्क के लिए, लेकिन वो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो सीधी सी बात है। लेकिन प्लीज़ इस रमज़ान में कुछ लोगों को कुछ रिलीफ दें, कुछ सोचें उनके बारे में, तो ताकि ये काम हो सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज कहीं ना कहीं तक पहुँचेगा और कुछ ना कुछ अल्लाह करे कुछ हो जाए, कुछ पाकिस्तानी अवाम के लिए रमज़ान में कुछ रिलीफ मिल जाए, तो इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट मेरी बात ये है कि मैं वीडियोस अपनी लगाता हूँ, मुझे व्यूज़ मिलते हैं और लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, और जो सब्सक्राइबर है वो नहीं मिलते। प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ देखें तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आपका जो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जो आप मुझे करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं और मज़ीद अब मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी से अच्छी होती जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज और मेरी इन बातों का जो है वो कहीं ना कहीं पहुँची होगी, और बन सके प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें तो उसको सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक की चीज़ें सैयद मोहम्मद अब्बास बोलो चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दवाओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।